हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका पाठशाला। तो दोस्तों, आज से हम जो आपका चैप्टर 13 जिसका नाम है सीमा लिमिट, यानी इसका मेन नाम जो है कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमको डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर 13 में आपको सीमा पढ़ना है, लिमिट पढ़ना है क्लास 11th की। तो आज से आपको लाइन बाई लाइन वीडियो मिलेगा और बहुत ही अच्छे लेवल से आप लोग को डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। इस लेवल से पढ़ाएंगे जबकि आपको आगे क्लास में 12 में जाओगे तो बहुत सारा 44 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस पढ़ना है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि यदि आप 11 को अच्छे से नहीं पढ़ रहेंगे तो वहाँ पर 12 में उतना मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। हमने क्या कोशिश किया कि इसी क्लास में, क्लास 11th में इतना अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, वहाँ पर लिमिट भी काम है, डिफ्रेंसिएशन भी काम है, इतना अच्छे से पढ़ा देंगे, इतना बेसिक से कि आपको वहाँ पर बहुत 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 मज़ा आएगा बनाने में, समझ गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, हम सीमा लिमिट क्लास 11th की, ओके। अब मैं पेज पर पहले से नोट्स बनाए हुए थे, सोचे कि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और हमारे पास थोड़ा अभी टाइम नहीं था, तो सोचे किसी पर समझा दे आपको, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सीमा का परिभाषा, सबसे पहले बात आता है सीमा, तो सीमा का परिभाषा तो पढ़ना जरूरी है। तो सीमा का जो परिभाषा होता है आपके सामने है कि यदि वाई बराबर एफ एक्स कोई फलन हो तो उसके सीमा LT लिमिट से सूचित किया जाता है। अभी देखिए, यदि y कोई फलन, कोई सीमा हो तो उस सीमा को LT या LIM, इसका कहने का फुल नाम है, LT कहने का मतलब, LT कहने का मतलब लिमिट, LIM कहने का मतलब वो भी लिमिट, दोनों एक ही बात है। कोई LT लिखता है, कोई लिमिट लिखता है, LIM लिखता है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम LT यूज करेंगे क्योंकि NCERT बुक में हमारा LT यूज किया गया है, समझ गए। अब उसके बाद आता है कि इसे निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, कैसे, तो देखो, सीमा को लिमिट, LT कहने का मतलब लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स इजकल टू एफ ए, ये इसका गणितीय सिद्धांत है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स बराबर एफ ए, इसे परिभाषित करने के लिए बताया गया। अब यहाँ पर आपको बात आती है कि एफ एक्स क्या है, ये तो सीमा है, एफ ए क्या है, ये इसका वैल्यू है, और जो LT है ये लिमिट है। अब बात आती है x टेंड्स टू a, इसका क्या पढ़ेंगे, x एरो a नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू a पढ़ेंगे, इसका नाम क्या है, टेंड्स टू, ठीक है। देखो इसके बारे में हम अच्छे से बताए हैं कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x टेंड्स टू a को x a की ओर अग्रसर कर रहा है। x टेंड्स टू a का मतलब होता है कि जो x है ये a की तरफ जा रहा है, अग्रसर कर रहा है, तथा इसे क्या पढ़ते हैं हम, तथा इसे x टेंड्स टू a पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिख चुके हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, x टेंड्स टू a पढ़ते हैं, ठीक है। लाइन बाय लाइन वीडियो आगे भी आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से हम पढ़ाने वाले आप लोगों को सीमा यानी डिफरेंशिएशन, ठीक है। चैप्टर 13 आपको, 13 जो है चैप्टर, 12 में पूरा का पूरा यूज है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब बात आता है सीमा के भेद, काइंड्स ऑफ लिमिट, सीमा के कितने भेद होते हैं, तो सीमा के तीन भागों में बांटा गया है। लिमिट को देखिए, पहला जो है, पहला जो आपका है, ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा डायरेक्ट लिमिट, और तीसरा राइट हैंड लिमिट। मतलब लिमिट तीन प्रकार के, लेफ्ट, डायरेक्ट और क्या, राइट हैंड लिमिट। डायरेक्ट को कोई MHL मतलब मिडिल हैंड लिमिट भी कोई बोलता है, कोई डायरेक्ट लिमिट भी बोलता है, हम डायरेक्ट बोलेंगे क्योंकि डायरेक्ट मतलब बीच में, अच्छा से थोड़ा समझ में आता है डायरेक्ट लिमिट, ऐसे आप मिडिल लिमिट हैंड बोल सकते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब आपको अच्छे से समझ में और आएगा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आया। अब देखिए, सबसे पहले आता है कि डायरेक्ट लिमिट कहते किसको है, डायरेक्ट लिमिट का हिंदी होता है प्रत्यक्ष सीमा, लेकिन प्रत्यक्ष से कोई मतलब नहीं है, आपको इंग्लिश ही सीखना है क्योंकि लिमिट जो चैप्टर है ना पूरा इंग्लिश में है, डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस जो है पूरा इंग्लिश में है। डायरेक्ट लिमिट का परिभाषा होता है कि यदि किसी दिए गए फलन में उसके सीमा के मान प्रत्यक्ष रूप से रखा जाता है उसे लिमिट को डायरेक्ट लिमिट कहते हैं। मतलब कह रहा है कि कोई फलन उसके सीमा के मान, मतलब कोई फलन दिया रहेगा और उसके सीमा का जो भी मान है उसको डायरेक्ट रखा जाएगा। मान लो यहाँ एक्स है, एक्स का मान ये दिया, तो यहाँ पर डायरेक्ट ए रखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लिमिट। देखो लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है ए, हम डायरेक्ट इसमें ए रख दिए, इसी को डायरेक्ट लिमिट बोलते हैं। डायरेक्ट लिमिट आपको अभी उतना अच्छे समझ में नहीं होगा, परिभाषा से कंप्लीट नहीं होगा, आप सोचोगे कि एक ही दिन में सारा चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे, हम समझ लें, तो सभी चीज़ नहीं हो पाता है। आपको जब क्वेश्चन कराएंगे ना तो वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिमिट उसको कहेंगे जिसका मान डायरेक्ट सीमा में रख दे, उसको डायरेक्ट लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट को, चाहे राइट लिमिट को बात एक ही है,
कहता है कि किसी दिए गए फलन के लिए जब किस जब उसके सीमा का मान हमेशा बढ़ते क्रम में धनात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है, उसे राइट हैंड लिमिट कहते हैं। कह रहा है कि जो राइट हैंड लिमिट तब कहेंगे जब उसका सीमा का मान बढ़ते क्रम में, मतलब आगे बढ़ते हुए, धनात्मक मतलब प्लस की तरफ, अग्रसर मतलब आगे बढ़ते जाए, उसको हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे। और राइट हैंड लिमिट को आप आर ऐसे लिख करके आर लिमिट भी लिख सकते हो। और राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि जो ए का वैल्यू होगा उसे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा की तरफ जाएगा, क्योंकि धनात्मक की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। और इसे हम गणितीय रूप में ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच, किसको, राइट हैंड लिमिट को, ठीक है। अब आप समझिए सर एस टेंड टू जीरो कैसे हो गया, तो आपको हम जब क्वेश्चन बताएंगे वहां पर पता चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का परिभाषा क्या होता है, किसी दिए गए फलन का मान जब घटते क्रम में बाएं की ओर अग्रसर करता है उसे लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। मतलब इसमें माइनस के तरफ जाएगा, जैसे लेफ्ट लिमिट को आप एल लिमिट लिख सकते हो, और एक्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ए से छोटा होगा, मतलब माइनस के तरफ जाएगा। और इसको हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या दिखा सकते हैं कि लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच, मतलब माइनस की तरफ जाएगा, उसको लेफ्ट प्लस की तरफ जाएगा राइट, और डायरेक्ट मान रख देंगे डायरेक्ट लिमिट। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपको बात आती है नोट, नोट क्या है, दो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है कि यदि किसी दिए गए फलन के लिए उसके लिमिट, लेफ्ट लिमिट तथा राइट लिमिट का मान एक समान हो, कह रहा है कोई फलन दिया हो जिसमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट एक समान हो, तो फलन का मान जो प्राप्त होगा, और दोनों सीमाओं का मान एक समान ना हो तो फलन प्राप्त नहीं होगा। कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब सेम हो, इसका मान समान हो, तो फलन प्राप्त होगा, और यदि सेम ना हो तो उसका फलन प्राप्त नहीं होगा। मान लो लेफ्ट लिमिट आया दो, राइट आया दो, दोनों दो दो आया, दोनों बराबर है, तो फलन संतत होगा, बराबर नहीं होगा उसका फलन नहीं निकल पाएगा। ये तो क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी आपको थ्योरी पढ़ा दिया तो आपको पता तो चल गया ना। दूसरा है कि यदि किसी दिए गए फलन के उसके तीनों सीमाओं का मान एक समान हो तो उस फलन को संतत होता है, और यदि मान एक समान ना हो तो उस फलन को असंतत कहा जाता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में तीनों सीमाओं का मान प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर फलन का सिर्फ मान निकालने की बात हो रहा था, जब दोनों बराबर हो तब फलन का मान निकाल सकते हो, लेकिन जब संतत करने का मतलब तभी निकल सकता है जब लेफ्ट राइट और डायरेक्ट तीनों का वैल्यू सेम हो, तो बोलेंगे कि फलन संतत है, अदरवाइज तीनों में से कोई भी एक फलन असंतत मतलब बराबर नहीं आया उसको बोलेंगे असंतत, ठीक है। अब आता है बीजगणितीय सीमा का सीमा के गुण, बीजगणितीय सीमा या सीमा के गुण दोनों नाम की है, कोई बोलता है बीजगणितीय सीमा, कोई बोलता है सीमा के गुण। इसे गुण को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दो फलन हो तो, मतलब दो फलन रहेगा एफ एक्स और एक जी एक्स, दिया रहेगा कि लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, इस तरह से दिया रहेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार लिमिट एक्स टेंड टू एफ एक्स कर देंगे, देख लो, अब बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर जी एक्स के लिए लिमिट एक्स टेंड टू जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू जी एक्स कर देंगे, अलग अलग दोनों को लिख लेंगे प्लस करके, या दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे। ये तो बताएंगे आपको भी, हम एग्जाम्पल में कराएंगे तो, ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे ऐसा बहुत सारा मिलेगा आपको। यदि माइनस में रहेगा तो बस सब कुछ वहीं सिर्फ माइनस में हो जाएगा, यदि गुना में रहेगा सब कुछ वहीं सिर्फ गुना में हो जाएगा, दोनों को दोनों में अलग अलग लिमिट एक्सटेंड टू लगा देंगे, जैसे प्लस में होगा जैसे माइनस में, सही गुना में, भाग में जस्ट उसी तरह, ऊपर वाला में लिमिट एक्सटेंड टू लगा दिए और भाग वाला में नीचे वाला में लगा दिए, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। यदि इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक और वीडियो बनाए हम पहले, आज से 8 महीना पहले बनाए थे, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा उसमें लिख करके बताएं, इसमें हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट पहले लिख लिए उसके बाद बताने की कोशिश किया हूँ, तभी भी आपको समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए, एक जो फार्मूला बताने जा रहा है ना, सिक्स फार्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं आ पाता होगा तो आप लिमिट के क्वेश्चन गलत करोगे ही करोगे, ठीक है। पहला है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स पर एक्स, मतलब ऊपर साइन एक्स नीचे एक्स हो तो उसका वैल्यू वन हो जाता है, जब सिर्फ लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और कॉस एक्स हो तो उसका वैल्यू वन होता है, जब ऊपर टेन एक्स नीचे एक्स हो तो उसका ही वैल्यू वन होता है। लिमिट एक्स टेंड टू एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा एक्स माइनस ए, मतलब जो यहाँ पर एक्स माइनस ए उसी का बेस नीचे बन जाए उसका फॉर्मूला एन ए इंटू एन माइनस वन बनेगा, ओके। यदि ई के पावर एक्स माइनस वन बटा एक्स ऐसा दिखे तो उसका ही वैल्यू वन, यदि लॉग वन प्लस एक्स बटा एक्स दिखे उसका वैल्यू वन। ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, याद करना है, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन करने के लिए इसको याद नहीं होगा तो आपको समझिए आप गलत करेंगे, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन में अक्सर छः में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, ठीक है।
अब सम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, कुछ फॉर्मूले एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा कैसे बनता है। अभी तो हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे लेकिन दो एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए। जैसे लिमिट एक्स टेंड टू टू एक्स प्लस थ्री दे दिया, अब आपको बताना है कि इसको लिमिट सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो पहले जो वैल्यू दिया रहता है वन दिया है एक्स टेंड टू वन, डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो डायरेक्ट रखें तो टू इंटू वन प्लस थ्री इक्वल टू फाइव आ गया। लेकिन यदि यही डायरेक्ट वैल्यू हम रखते हैं इसमें वन और उसका वैल्यू जीरो बाई जीरो के फॉर्म में आ जाएगा तो उसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे उसके लिए दूसरा मेथड होता है। यहाँ पर देखो सेकंड बताए हैं कि लिमिट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू वन रखेंगे देखो क्या हो जाएगा, वो एक्स में वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर और ए हो जाएगा वन अबाटा, यहाँ भी एक्स का मान रखेंगे वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, जीरो बटा जीरो यानी अनडिफाइंड, इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे इसको कुछ सूत्र के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से एक्स को स्क्वायर कर देंगे और वन का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वन। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एगो माइनस में एगो प्लस में, नीचे जो कहते हैं कट गया, एक्स प्लस वन आ गया। अब इसमें एक्स का वैल्यू वन रखेंगे तो वन प्लस वन टू आ गया, इस तरह से निकालते हैं। तो बहुत सारा अभी आपके मजा आएगा पढ़ने में, ठीक ना, अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे आपको, बहुत सारा चीज़। ये तो फर्स्ट स्टेप था, अभी बहुत चीज़ आपको सिखाने वाले हैं हम, ठीक है। सेकेंड वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये तो छोटी सी बात थी जो कि आपको बताने की मैंने कोशिश किया, फार्मूला वार्मूला, ठीक है ना, आपको सिर्फ ट्रीजर दिखाए हैं, अभी आपको सारा चीज़ बाकी है। ओके, अगला वीडियो जरूर देखना, नहीं देखोगे आपको कुछ सीमा कैलकुलस में समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से करें, सेकंड वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।